कविता का नाम है छुओ। उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी हैं, घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बर्टोल्ड ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। तराश खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ, एक खाली कागज को छुओ शब्दों की उंगलियों से, वैन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए ज़रूरी नहीं कोई बिल्कुल पास में बैठा हो, दूर से भी छूना संभव है, उस चिड़िया की तरह दूर से ही जो अपने अंडों को सेती रहती है। कृपया छुए नहीं या छूना मना है जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्म गुरु, ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर, सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। इसलिए भी छुओ, भले ही इससे चीज़ें उलट पुलट हो जाएं। इस तरह मत छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घासें चांद तारों को छूने छूने को होती हैं। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ, देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में।